Hello everyone, welcome in our open office leadership practical class. So dear students, आज हम बात करेंगे relative, absolute and mixed referencing के बारे में. हमने last video में normal काम करना सीखा था, थोड़ा सा basic knowledge हमने ली थी spreadsheet की. तो देखिए relative, absolute and mixed referencing के अंदर क्या होता है, किस type से work करते हैं. relative referencing में actually क्या होता है, जो रिलेटिव रेफरेंसिंग है उसमें जो हमने बताया था कि जो डाटा हम राइट करते हैं, जो फॉर्मूला हम टाइप करेंगे, उस फॉर्मूले की कॉलम एंड रो दोनों ही ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे. दैट मीन्स टू से अगर मान लो आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है D2 पर, जैसे कि ये है D2 पर आपने अप्लाई किया है, तो जैसे ही आप उस फॉर्मूले को कॉपी करेंगे नेक्स्ट सेल में लेके जाएंगे तो D2 की जगह वो हो जाएगा D3. और अगर मान लो आपने लिया है वो फॉर्मूला C4 से, तो नेक्स्ट वाले कॉलम में वो हो जाएगा अपने आप C5. ये कैसे होगा एक बार देख लेते हैं. ये देखिए, जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे साइन लगाया 1, हमने इस कॉलम पे क्लिक किया C2, एड्रेस ऑफ योर कॉलम, देन मल्टीपल साइन, देन क्वांटिटी, ओके, और एंटर किया. अब ये जो फॉर्मूला आपने यहाँ लगाया, ये देखिए आपका एड्रेस बार में यहाँ फॉर्मूला आया है C2 मल्टीपल D2. और जैसे ही आप इसको कॉपी करेंगे, दैट मींस टू से कि आप इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे, तो ये देखिए आप जैसे इसको नीचे की साइड खींच के लेके जाएंगे तो ये सभी फॉर्मूले अपने आप अप्लाई हो जाएंगे. आप यहाँ पे क्लिक करके देखिए एड्रेस बार में यहाँ ये किस पे लगा है, C3 मल्टीपल D3, क्लियर. दैट मींस टू से कॉलम पहले क्या था, C2 एंड D2, अब की बार यहाँ पे क्या हुआ, सी ही कॉलम को इसने रो को चेंज कर दिया उसकी, क्लियर ये चीज. तो ये जैसे जैसे हम इसको चेंज करेंगे तो ये हर टाइम उसके एक एक कॉलम, एक एक रो को क्या कर देगा, प्लस कर देगा. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें हम एब्सोल्यूट की, तो रिलेटिव तो क्या हुआ, ये आपका जो फॉर्मूला है ये है रिलेटिव C2 मल्टीपल D2, जिसमें हमने किसी भी टाइप के सिंबल का, डॉलर साइन का यूज नहीं किया. अगर हम बात करें एब्सोल्यूट के, तो एब्सोल्यूट फॉर्मूला आपका कौन सा होता है देख लीजिए. जैसे कि हम इसको हटा देते हैं पहले, ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया हम इसको डिलीट कर देते हैं. एब्सोल्यूट में क्या होगा, जहां पर हम रो एंड कॉलम्स दोनों के ही बारे में क्या करेंगे, हम एक एब्सोल्यूट साइन लगाएंगे. दैट मीन्स टू से कि एक डॉलर का साइन हम यूज करेंगे. वो कैसे यूज होगा, जैसे हम यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, हम यहाँ पे यूज करेंगे इक्वल, ओके. फॉर्मूला आपका किस पे लगना है, फॉर्मूला हमने लगाना है प्राइस पर, तो इस पे हमने क्लिक कर दिया. उसके बाद हमने किया मल्टीपल साइन, यस, उसके बाद हमने यहाँ पे मल्टीपल साइन यूज किया. उसके बाद ये देखिए इसका जो क्वांटिटी है 5, इसका आपका एड्रेस क्या है, D2, एड्रेस D2 है, लेकिन हम इसको डायरेक्ट D2 नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे $D and $2, ओके. कैसे लिखेंगे हम इसको, शिफ्ट के साथ हम यूज करेंगे डॉलर साइन का, ये है $D and $2, ओके. हमने क्या किया, कॉलम के साइड पे भी हमने डॉलर का यूज किया और रो के साइड पर भी हमने डॉलर का यूज किया, और हमने इसको किया एंटर. अभी फॉर्मूला तो वही लगा है, लेकिन आप इसको कॉपी करके देखिए क्या होगा. हम इस फॉर्मूले को नीचे अप्लाई करते हैं, कॉपी करते हैं, तो ये देखिए आंसर्स चेंज हो गए. आप यहाँ क्लिक कीजिए, उधर फॉर्मूला देखिए आपका, उधर क्या फॉर्मूला आया है, C3, पहले ये वाला फॉर्मूला देखिए. अब यहाँ पे C2 था, C2 तो आपका क्या है, एज इट इज है, और C2 मींस टू से जो आपका रिलेटिव ऑप्शन है वो तो आपका एज इट इज है, लेकिन $D and $2 आप इस वाले में देखिए C2 की जगह C3 हो गया, बिकॉज आपने नेक्स्ट वाला कॉलम यूज किया है, सॉरी नेक्स्ट वाला सेल यूज किया है, लेकिन आपका फॉर्मूला सेम है $D and $2. दैट मींस टू से ये वाला फॉर्मूला, कहने का मतलब कि ये जो प्राइस है आपका ये तो चेंज हो रहा है, लेकिन सभी प्राइजेस पे एक ही फॉर्मूला लग रहा है, ये वाला क्वांटिटी वाला. हर टाइम ये क्वांटिटी कोई इससे चेंज नहीं कर रहा है, ये 35 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 15 को भी 5 से ही मल्टीप्लाई कर रहा है, 35 को सभी को 5 से ही मल्टीप्लाई कर रहा है. आप देख लीजिए, आप 200 पे जाइए, यहाँ पे फॉर्मूला आपका क्या लगा हुआ है, C5, बिकॉज इसका एड्रेस क्या है, C5 कॉलम से हमने मल्टीप्लाई किया, किसको, $D and $2 को ही, दैट मींस टू से 5 को ही, क्लियर है. एब्सोल्यूट का मीनिंग क्या होता है, जहां पर हम रो एंड कॉलम्स दोनों के ही आगे क्या करते हैं, डॉलर साइन का यूज करते हैं, जिससे आपका
जो डॉलर साइन हमने यूज किया है वो आपका एग्जैक्ट रहेगा। फॉर्मूले का जो नंबर है वो तो चेंज होगा, मतलब सी ऑप्शन आपका सारा चेंज हो रहा है, लेकिन जिसके सामने आपने डॉलर साइन यूज किया है वो ऑप्शन आपका चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर? सो नेक्स्ट, अगर अब हम बात करें मिक्स, मिक्स का मीनिंग क्या हुआ, जहां पर एक कॉलम में, जहां पर या तो आप कॉलम पार्ट में रिलेटिव लीजिए या फिर आप रो पार्ट में एब्सोल्यूट लीजिए, रिलेटिव लीजिए। दैट मीन्स टू से एक तो होगा आपका रिलेटिव और एक कॉलम के अंदर हम यूज करेंगे मिक्स। क्लियर? मतलब फॉर्मूले में हम दोनों चीजें यूज करेंगे, रिलेटिव प्लस एब्सोल्यूट, मतलब एक तो हम लगाएंगे डॉलर वाला और एक हम लेंगे विदाउट डॉलर वाला। वो कैसे होगा देख लेते हैं, इसको करके इसी फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे हम, इसको डिलीट कर देते हैं। ये देखिए, इक्वल प्राइस आपका ये है, देन मल्टीपल साइन। अब हम क्या करेंगे, एक पर डॉलर लगाएंगे और एक पर नहीं लगाएंगे। जैसे कि मान लो हम लगा लेते हैं 2 पे डॉलर, और जिस पे डॉलर लगेगा वो तो फिक्स हो जाएगा, आप इस चीज को समझना। और जिस भी कॉलम या रो पर डॉलर लगेगा वो चीज तो फिक्स हो जाएगी, और बाकी का जो रिलेटिव होगा वो आपका चेंजेस होगा, चेंज हो जाएगा उसके अंदर। कैसे होगा ये देखिए, सी टू मल्टीप्लाई आपको क्या करना है, इससे 5 से मल्टीप्लाई करना है। इसका क्या है, इसका एड्रेस G2। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, D को तो विदाउट डॉलर के लिख देंगे, लेकिन 2 को हम डॉलर साइन के साथ करेंगे। शिफ्ट प्लस 4 से हम डॉलर साइन यूज करेंगे एंड 2। क्लियर? और एंटर। अब देखिए आप इस पर अप्लाई कीजिए। अब यहां देखिए, आप ऊपर देखिए, इसका एड्रेस D2 ही रहा है, मतलब कि ये जो रो आपकी है रो आपकी 2 ही रहेगी। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे भी D2 है, यहाँ पे भी D2 है, लेकिन C2 C3 C4 मतलब ये वाला कॉलम और रो तो चेंज हो रही है, लेकिन इसकी कॉलम और रो चेंज नहीं हो रही है। बिकॉज आपने क्या किया है, इसमें तो रिलेटिव फॉर्मूला लगा दिया और इसमें क्या लगाया है, एब्सोल्यूट फॉर्मूला लगाया है, मतलब दोनों को आपने मिक्स कर दिया। इस फॉर्मूले को हम इस तरह भी लगा सकते हैं, कैसे, इक्वल प्राइस मल्टीपल। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को डॉलर डी करेंगे। ओके, डॉलर डी सिक्स, सॉरी, फॉर्मूला हमारा यहाँ पे किस पे जाएगा, 2 पे, डॉलर D2। अब देखिए, क्लियर? अब आप इसको कॉपी कीजिए। अब इसकी कॉपी करने में क्या होगा, आपका फॉर्मूला कैसे लगेगा ये देखिए। अब की बार क्या हुआ है, यहाँ पर हमने क्या किया है, C3 मल्टीपल डॉलर D3, दैट मीन्स टू से डॉलर D3 रहेगा हर टाइम। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पे भी डॉलर D3, यहाँ पे भी आपका डॉलर D एज इट इज रहेगा, लेकिन जो आपकी दो है वो चेंज हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ पे 4 हो गई, यहाँ 5 हो जाएगी, यहाँ 6 हो जाएगी, यहाँ 7 हो जाएगी, बिकॉज आपने कॉलम पर तो डॉलर का साइन लगा दिया लेकिन रो पे नहीं लगाया। क्लियर इट? तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जहाँ डॉलर साइन लगा है सिर्फ वो चीज आपकी फिक्स होगी, और बाकी बाकी का जो कॉलम है, बाकी का जो आपकी रो है या कॉलम है, वो आपका डेटा चेंज हो जाएगा कॉपी करते टाइम। क्लियर? समझ आ गया? अगेन सुन लीजिए, रिलेटिव का मीनिंग क्या होता है, जहाँ पर विदाउट डॉलर के हम यूज करते हैं अपने फॉर्मूला को, जैसे हम उसको कॉपी करेंगे तो रो एंड कॉलम दोनों चीज चेंज होंगी। एब्सोल्यूट का मीनिंग क्या होता है, जहाँ पर हम यूज करेंगे किसको, वेट एक सेकेंड, यस, जहाँ पर हम यूज करेंगे कॉलम एंड रो दोनों के साथ डॉलर साइन का, जिसकी वजह से आपका रो एंड कॉलम दोनों के दोनों आपके फिक्स हो जाएंगे, चेंज नहीं होंगे कॉपी करने पर भी। और मिक्स में क्या होगा, एक जगह हम डॉलर साइन का यूज करेंगे और एक जगह हम नहीं करेंगे, हम चाहे तो कॉलम के साथ यूज कर सकते हैं, हम चाहे तो रो के साथ यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो जहां पर जिसके साथ डॉलर साइन यूज होगा वो चीज आपकी फिक्स हो जाएगी, और बाकी का डाटा कॉपी करने पर आपका चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो ये था आपका रिलेटिव एब्सोल्यूट एंड मिक्स रेफरेंसेस। सो आई होप आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, और इसी टाइप से आप अपनी एक इस टाइप की कोई भी एक फाइल बनाइए और उसको आप अपडेट कीजिए। थैंक यू।